अगली खबर है मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन को लेकर चल रही लापरवाही से। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विद्यालय में बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मध्य प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत माजन मानिकराम ग्राम पंचायत के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टटिहरा का है, जहां पर मिड डे मील के नाम पर बच्चों को घटिया स्तर का भोजन परोसा जा रहा है, जबकि नियमानुसार हर दिन बच्चों को तरह तरह के भोजन दिए जाने चाहिए जिनमें पौष्टिकता भी हो। लेकिन मिड डे मील को समूह संचालक के द्वारा साइड में रख दिया गया है और हर दिन सिर्फ दाल चावल दिया जा रहा है। उस पर भी दाल घटिया क्वालिटी की है, जो कि बच्चों के खाने योग्य नहीं है। बावजूद इसके विद्यालय के हेडमास्टर समूह संचालक का पक्ष लेते हुए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के समय बच्चों को बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है और ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जबकि विद्यालय के एक छात्र छात्राओं द्वारा बताया गया है कि उन्हें 13 अगस्त से मध्यान्ह भोजन मिलना शुरू हुआ है। मध्यान्ह भोजन नाम मात्र के लिए रहता है और हर दिन दाल चावल दिया जाता है। वहीं इस बात की शिकायत जब हनुमना के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच का आश्वासन दे दिया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार हनुमना में बैठे कुछ अधिकारी समूह संचालक के रिश्तेदार हैं, जिस कारण से समूह संचालक के हौसले बुलंद हैं और बच्चों को घटिया स्तर का मध्यान्ह भोजन परोसा जा रहा है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द समूह संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चलकर बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। हम लोग ये पूर्व में शिकायत हुई थी 15 अगस्त को ग्राम सभा में, उसी के तारतम्य में हम लोग आए और यहाँ भोजन चेक करने के लिए, भोजन में चावल और दाल पाया गया, लड़के खा रहे थे। दाल की क्वालिटी, चावल की क्वालिटी तो सही थी, दाल की क्वालिटी समझ में नहीं आई। वो 75% दाल तो सही पाई गई और 25% दाल उसको शायद पशु भी न खा पाएंगे। और कमियां तो ख़ास तौर पर कुछ नहीं देखी गई। शिक्षक बंधु दो भैया थे, एक प्रभारी हेडमास्टर साहब, एक प्राथमिक विद्यालय के सिंह साहब जी, और कहाँ थे कहाँ नहीं थे। अब इसके द्वारा यदि समूह का खाना सही नहीं पाया गया, नियमित नहीं बनवाया गया, तो समूह रद्द करने की ग्राम पंचायत स्तर से कार्यवाही की जाएगी। जांच करा लेते हैं, जांच करा करके जो दोषी होंगे उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी हम जांच करा लेते हैं। सरपंच सचिव से प्रतिवेदन मंगा करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।